सकते हैं भटनी जंक्शन। इसका इंजन चेंज हुआ है, सामने ट्रेन खड़ी है इसी ट्रैक पे, आप साथ देख सकते हैं। इसका इंजन निकाला गया था, ये इंजन दूसरी साइड जा करके इसी ट्रेन में लगाया जाएगा। तो इसको मैं शूट कर रहा हूँ, देखिए ये इंजन अब कैसे लगाया जाएगा इसको मैं शूट करूँगा। यही 649 नंबर है इसका। देख सकते हैं कि मैं अब दूसरी साइड में आ गया हूँ ट्रेन के, जो कोचेज हैं जहाँ पे इंजन लगाया जाएगा। अभी इंजन पहुँचा नहीं है यहाँ पर, ये जनरल डब्बा देख सकते हैं। अभी वो इंजन लगता है काफ़ी आगे जा चुका है। अब देखते हैं कितने देर बाद वो इंजन आता है यहाँ पे। आप ये समझ लीजिए कि 5 मिनट तो हो ही गए हैं, अभी तक इंजन पता नहीं है कहाँ पे गया है। ये लिच्छवी ट्रेन के कोचेज हैं, दूसरे साइड से इसका इंजन निकाल लिया गया है। अब वो सेम इंजन यहाँ पे लगाया जाएगा, सामने आ रहा है। ये इंजन अभी लिच्छवी एक्सप्रेस 04006 ट्रेन नंबर है, उसमें लगाया जाएगा दूसरी साइड। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे होता है, क्या लग रहा है। ये अब देख रहे हैं इंजन लग चुका है, बस उसको तार और से बांध रहे हैं और पाइप और फिट कर रहे हैं। अब भीड़ इतनी है वहां दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो इंजन लग चुका है, ट्रेन चलने वाली है। अब मैं अपने कोच में जा रहा हूँ, मेरा
जनरल डब्बा है, जनरल डब्बा भी एकदम अच्छा लग रहा है, एसी टाइप का लग रहा है। लगभग जब मैंने इंजन लगने से पहले जब इंजन आ रहा था तो उस समय से अभी तक ट्रेन खुलने तक 18 मिनट लगे हैं, यानी टोटल देखा जाए तो आधे घंटे से ऊपर लगा है। इंजन निकालने में कम समय लगा था और लगाते समय ज़्यादा समय लगा है। अभी सामने रेड सिग्नल है तो देखते हैं रुकती है या चलती है। बाय बाय भट्टी जंक्शन। अब सफाई देख सकते हैं ट्रेनों की, लोगों में अब देख सकते हैं लोगों ने डब्बा फेंक रखा है, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।